गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस। तो हम लोग आज इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे आज हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द डेटा 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 फ्रॉम द मीन। आपको मैंने बताया था कि मीन डेविएशन को निकालने के तीन मेथड हैं। एक अबाउट द मीन है, एक अबाउट द मीडियन है, एक अबाउट द मोड है। तो मैं यहाँ पर आपको दो मेथड डिस्कस करूँगा आपके साथ, अबाउट द मीन, अबाउट द मीडियन। अबाउट द मोड भी बिल्कुल वैसा ही है, आप निकाल सकते हैं। तो पहले मैं मीन डेविएशन के बारे में बताऊँगा, फिर मैं आपको इसी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताऊंगा आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है। और आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन केवल मीन से निकलता है, उसमें मीडियन और मोड का कोई रोल नहीं होता है। तो मैं आपको सबसे पहले मीन डेविएशन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या काम करिए बच्चों, एक टेबल बना लीजिए, एक इस तरीके से एक टेबल आप लोग बना लीजिए। ये आपका स्कोर हो जाएगा। फिर आप क्या काम करिए, आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन तो हम लोग निकाल लेंगे आराम से, इसको ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं इसमें से, 7 है, तो डिवाइड करके मीन निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, ये स्कोर आपका एक्स आई हो गया। अब एक्स आई माइनस का जो मीन आएगा आपका ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि ये आप निकाल लेंगे। फिर उसके बाद एक मॉडुलस हम लोग करेंगे एक्स बार ये, क्योंकि ये सिंपल डेटा है। जब सिंपल डेटा है तो ये बहुत आराम से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो स्कोर क्या है, 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5। मैं आपको यहां ऐसे लाइन भी खींच दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। 4, 7, 10, 5। अब सबसे पहला काम है आपको मीन निकालना। मीन आपको पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि ये बहुत सिंपल डेटा है। यहां पर फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ये बहुत सिंपल डेटा है, इनको तो आप बहुत जल्दी से ऐड कर सकते हैं। तो 3 + 10 + 10 + 4 + 7 + 10 + 5 / 7। तो यहां से बच्चों हम लोग मीन निकाल लेते हैं, 23, 27, 34, 49 / 7। ये आपका 7 आ गया मीन। अब आप 3 - 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -4। 10 - 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3। 10 - 7 = 3। 4 - 7 - 3। 7 - 7 = 0। 10 - 7 = 3। 5 - 7 - 2। अब आपको पता है ये मॉड में है, अब आपको पता है ये मॉड में लिखा हुआ है, तो आपको पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में ही आएगा इसका आंसर आपका। 4, 3, 3, ये भी 3 आएगा बच्चों, ये भी 0, 3, 2, क्योंकि ये मॉड में है, मॉड में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप मीन डेविएशन का जो फार्मूला होता है बच्चों, मीन डेविएशन का जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए अगर सिंपल डेटा है। तो आप क्या काम करिए, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, या अपॉन एन लिख लीजिए आप यहाँ पर। एन कितने डेटा हैं आपके, 7 डेटा हैं, ये आपके 7 है। जैसे आपने यहाँ पर डिवाइड किया था, आपको पता होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये जो 7 है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो आप इनको पहले क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे बच्चों। यहाँ पर आप सिग्मा लिख लीजिए, समेशन कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर समेशन करना पड़ेगा। सिग्मा मॉड के अंदर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, ये आप सॉल्व कर लीजिए। 4 + 3 = 7, 7 + 3 = 10, 10 + 3 = 16, 4 + 3 = 7, 7 + 3 = 10, 10 + 3 = 13, 13 + 3 = 16, 2 = 18, ये आपका 18 आ जाएगा।
तो 18/7, तो ये आपका 7 × 14, 2.57 के अप्रॉक्स आएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, ये आप नोट कर लीजिए बच्चों, ये आपका MD आ गया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आपका ये इस तरीके से मैंने आंसर निकाला, अबाउट द मीन से मैंने निकाला, फ्रॉम द मीन मैंने मीन से आंसर निकाला है इसका। अच्छा, एक बात और समझानी है मुझे आप लोगों को, अगर इसी क्वेश्चन को आपको निकालना होता स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि मीन से ही निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि मीन डेविएशन तो आपका मीन मोड और मीडियन से निकल सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मीन से ही निकालना है केवल। ये फायदा है इसमें, ये जो है इसके मेरिट हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, उसमें उसमें जो है मीन मोड मीडियन का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय आपको केवल मीन का काम करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बताया था कि जो भी डिफरेंस आता है वो आपने हर एक स्कोर को मीन से माइनस कर दिया। अब आपको क्या काम करना है, ये तो बेटा MD के लिए हो गया, अब अगर SD के लिए काम करना है, अब मैं आपको SD के बारे में समझा दे रहा हूँ, ये काम मैं SD के लिए समझा रहा हूँ आपको। तो आपको क्या काम करना है, XI माइनस का X बार का स्क्वायर कर दीजिए आप, ये मैं SD के लिए बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 16, ये आपका 9 9 9 0 9 4, अब आप इनको ऐड कर लीजिए, तो सिग्मा XI माइनस X बार स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इनको ऐड कर लीजिए आप, 36 + 4 40 + 56, ये 56 आ जाएगा आपका बच्चों। तो अगर आपको SD निकालना है, SD से पहले हम लोग वेरियंस भी सीखेंगे, वेरियंस निकालना भी हम लोग सीखेंगे, वेरियंस का सिंबल ये होता है। तो अगर आपको वेरियंस निकालना है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा XI माइनस X बार, ये आ जाएगा अपॉन। अगर आपको वेरिएंस निकालना है बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे, 56/7, 7 8 जा 56। लेकिन अगर आपको SD निकालना है तो SD होता है अंडर रूट के अंदर वेरिएंस, तो ये आपका अंडर रूट 8 आ जाएगा। ये आपका लगभग 2.57 MD आ रहा था, यहां पर आपका 2.82 आ जाएगा। ये मैंने आपको सेम क्वेश्चन में आपको MD निकालना बता दिया, और मैंने आपको सेम क्वेश्चन में SD निकालना समझा दिया। MD के लिए केवल ये टेबल बनेगी, और SD के लिए ये और ये बनेगा, और MD के लिए ये टेबल और ये टेबल बनेगी। MD के लिए फॉर्मूला ये लगेगा, मीन तो आपको खैर SD में भी निकालना पड़ेगा और MD में भी निकालना पड़ेगा, तो मीन तो मेरा निकला हुआ था, और फिर मैंने वेरिएंस भी निकाल दिया और मैंने SD भी निकाल दिया। तो ये आप नोट कर लीजिए।